भी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी हंस भी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में हैरानी बीत जाए दिन हैरानी में बीत जाए दिन पल पल सपने हो सके ना रुठ गए सारे सपने सपने हो सके ना अपने चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ आज ढूंढ लो सुबह नहीं सुबह नहीं सुबह नहीं सुबह गांव की लड़की मालती से मुकुल को प्यार हो गया। दोनों ने विवाह किया पर निरक्षर मालती शहर से भेजी गई मुकुल की चिट्ठियां पढ़ नहीं पाती थी। इस अनकही पीड़ा ने मालती को एक नया जीवन खोजने के लिए विवश कर दिया। पति का प्यार उसे एक नई दिशा प्रदान की। हमारे देश के ढेर सारे गांव मालती जैसी लड़कियों से भरे पड़े हैं जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है एक नई सुबह की ओर। फिर मेरी मुलाकात होगी अपनी मालती के साथ अपनी प्रेमिका के साथ। जब उसने पलके उठाकर पहली बार मेरी ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे दिल के अंदर हजारों हजार जल तरंग बजने लगे हों। मैं मुग्ध हो गया। मेरे मन को भा गई वो। मुझे उससे प्यार हो गया। मैं मुकुल हूं मुकुल दत्त। मैं मालती कुंडू। मैं भी इसी गांव में रहता हूं लेकिन कलकत्ता जा रहा हूं। बीए पास करके ट्यूशन्स किया करता था। अचानक ही नौकरी मिल गई। मेरा घर भी यही है। मेरी माँ जब मैं छोटी सी थी मेरी छोटी बहन के जन्म के समय चल बसी। छोटी बहन मैं और बाबा यही मेरा छोटा सा संसार। ऐसे समय हमारा परिचय हुआ जब मुझे जाना पड़ रहा है। तुम्हारे घर में कौन कौन है? बचपन में माँ बाप के जाने के बाद मामा ने बड़ा किया और अब और कौन है तुम्हारा? मेरा कोई नहीं।
अचानक मालती से मेरी शादी हो गई। सोचा था कलकत्ता में जल्दी रहने का इंतजाम करके जितनी जल्दी हो मालती को कलकत्ता ले आऊंगा और तब तक उसे खत लिखता रहूंगा, ढेर सारे खत, मन की सारी बातें, सारे सपने और ढेर सारा प्यार मैं अपने खतों से उस तक पहुंचा दूंगा। लेकिन छोड़ो ये बातें, आने के एक दिन पहले मन बहुत उदास था। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम अगर लौट करना हो मुझे देखकर क्या तुम्हें यही लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन लेकिन दूर जाकर अगर मुझे भूल गए तो? ये नहीं होगा मालती, मैं तुम्हें हर हफ्ते खत लिखूंगा, वादा रहा। और फिर तुमसे अलग होकर मैं कैसे रह पाऊंगा बोलो? लेकिन लेकिन क्या हुआ मालती, क्या हुआ? लेकिन मैं तो पढ़ना नहीं जानती। ओह, इतनी सी बात, इसकी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कलकत्ता ले जाकर खुद लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, तब देखना कितना मजा आएगा, कितना कुछ जानोगी, कितना कुछ सीखोगी। लेकिन अभी अभी मैं तुम्हारी चिट्ठी कैसे पढ़ूंगी? मेरी चिट्ठी किसी और से पढ़वा लेना। लेकिन लेकिन उस चिट्ठी का जवाब कैसे दूंगी? जब मैं लौटूंगा तब वो सारे जवाब मैं एक साथ ले लूंगा। क्यों? चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी। श्रीमती मालती दत्त? हाँ, मैं मालती दत्त हूँ। जरा रुको तो, ये कहाँ से आई है बताओ तो। कलकत्ते से, मुकुल दत्त। क्यों रे, किसकी चिट्ठी है? तुम्हारे दामाद की, कलकत्ते से। क्या लिखा है उसने, कब आएगा? बहुत लंबी चिट्ठी बाबा, बहुत सी बातें लिखी हैं। तब वो ठीक तो है ना? नहीं जानती बाबा, तुम्हें तो पता है मैं पढ़ नहीं सकती। मेरा ही दोष है बेटी, मैंने तुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। नहीं बाबा, तुम्हारा दोष नहीं है। माँ के मरने के बाद घर तो मुझे ही संभालना था, वरना छोटे की पढ़ाई कैसे होती? इसलिए तो मैं पढ़ नहीं पाई। चलो बाबा, रीना दीदी को एक बार ये खत दिखाती हूँ, वो ही इसे पढ़ देंगी। वही कर, जा। दीदी, अरे मालती, आ बैठ। कैसी है? अच्छी हूँ रीना दीदी। और तेरा पति, वो कहाँ है, यहाँ या कलकत्ते में? वो कलकत्ते में, मुझे चिट्ठी भेजी है। अच्छा, जरा पढ़ दोगी? तेरे पति की चिट्ठी, मैं क्यों पढ़ू? मैं तो पढ़ना नहीं जानती दीदी। ये क्या, क्यों लिखना पढ़ना क्यों नहीं सीखा?
मैं जिस दिन पहली बार स्कूल गई उसी दिन अपनी माँ को खो दिया। तभी से मेरे दिल में डर बैठ गया था। लगता था घर लौट के देखूं बाबा ना होंगे तो, इसलिए मेरी पढ़ाई ना हो सकी। पर मेरी बहन स्कूल जाती है, अब तुम ही बोलो ना, क्या उससे पति की चिट्ठी पढ़वाऊं मैं? ला देखूं तेरे पति ने क्या लिखा है। वाह, तेरे पति की लिखावट तो बहुत सुंदर। जानती हो दीदी, आदमी और भी सुंदर है। प्रियतमा मालती, तुमसे दूर आकर मेरा मन बड़ा बेचैन है। जी करता है सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास जा पहुंचूं। बहुत ही जल्द मकान का इंतजाम हो जाएगा, वहां जाकर ही मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। मायूस ना होना, तुम्हारा अपना मुकुल। लेकिन जैसा मुझे लगा था उतनी आसानी से हो नहीं पाया। पूरा घर ठीक ठाक करने में मुझे ज्यादा वक्त लग गया। यहां तक कि वायदे के अनुसार दूसरा खत मैं बहुत देर से लिख पाया। हालांकि जानता था मेरी प्रियतमा कितनी बेसब्री से मेरी खबर पाने की राह देख रही है। यहाँ खड़ी क्या कर रही है? रीना दीदी, आज 2 हफ्ते हो गए हैं, कलकत्ते से उनकी कोई खबर नहीं आई। अभी तो उनके पहुँचने की खबर आई थी, और फिर नई जगह है, सब इंतजाम करने में समय लगेगा। कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है ना? मैं तो समझती थी वो खुद ही चले आएंगे। मैं हर रोज यहाँ आके खड़ी रहती हूँ, न जाने किस गाड़ी से कब आ जाए। अरे पगली, इतनी जल्दी कभी कुछ होता है? धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। ओ भैया, चिट्ठी है? नहीं, आज नहीं है। देखो मैं क्या लाई, पूछो तो, देखो मैं क्या लाई। तूने लिखाई पढ़ाई छोड़कर ये क्या उछल कूद लगा रखी है? देखती नहीं हम लोग कितनी चिंता में हैं? तू तो कुछ समझती ही नहीं। नीली चिट्ठी किसकी है ये? बोलो दीदी, नीली चिट्ठी, नीली चिट्ठी। ये तो मेरी चिट्ठी है, दे 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 मुझे, दे 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 मुझे। रीना दीदी, रीना दीदी, आज का पाठ है तुम और हम इस देश में रहते हैं। बोलो, मेरा देश बड़ा है, मेरा देश बड़ा है। हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश में रहते हैं। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है। अब स्वर बोध करेंगे। द में ए दे, द में ए दे, दे के बाद श देश, दे के बाद श देश, ब के बाद ड आ बड़ा, ब आ बड़ा, दे के बाद श देश, दे श देश। हम लोग, हम लोग, हम लोग, हम लोग, हम लोग। क्यों मालती, क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर बाद में आऊंगी, तुम अभी पढ़ा रही हो। नहीं नहीं, कहो ना क्या बात है। इधर आओगे?
आप लोग पढ़ो, मैं अभी आती हूँ। बताओ शेफाली दीदी, उनकी चिट्ठी आई है कलकत्ते से, जरा पढ़ दोगी? मैं दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ती, और जिसकी चिट्ठी हो उसे खुद ही तो पढ़नी चाहिए। मालती देखो, तुम्हारे पति ने तुम्हें चिट्ठी लिखी है, तुम उसकी बीवी हो, उसके मन की सारी बातें जानने का अधिकार तुम्हारा ही है, उसका आनंद और अनुभूति ये सब तुम्हारे हैं मालती। तो मैं आज चलूं दीदी, बेकार ही तुम्हें परेशान किया। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहा, मुझसे भूल हो गई शेफाली दीदी। तुम मुझे गलत ना समझना, मेरी बात आज तुम्हें बुरी लगेगी, एक दिन तुम इसका मतलब जरूर समझोगी। ये मेरे नसीब में लिखा था दीदी। नसीब को दोष क्यों देती हो, और फिर सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ, निराश क्यों होती हो? तुम तो अब भी पढ़ाई कर सकती हो। क्या पढ़ाई अब इस उम्र में? क्यों नहीं, पढ़ना लिखना सीखने के लिए उम्र की बंदिश नहीं होती। तुमने तो साक्षरता केंद्र देखा है, वहाँ तो तुमसे बड़ी उम्र की औरतें पढ़ती है। तो अब मैं चलती हूँ शेफाली दीदी। ठहरो, अभी क्यों जाती हो? पति ने क्या लिखा है सुनोगी नहीं? दो। मेरी प्रिय मालती, मैं अपना वादा पूरा ना कर सका, नाराज मत होना, चिट्ठी लिखने में सचमुच देर होगी, फिलहाल यहाँ सब कुछ ठीक करने में और वक्त लगेगा, फिर भी अब हर हफ्ते तुम्हें मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी, नहीं तो इसके बाद जो कुछ लिखा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए, जब तुम्हारे पति आए तुम खुद उसी से जान लेना। लो। तुम मुझे लिखना पढ़ना सिखाओगी दीदी? ये तो बहुत अच्छा होगा, खुद पढ़ना लिखना सीखकर अपने पति को चिट्ठी लिखकर उसे हैरान कर देना। ये नदियाँ बरसात का पानी ले आती है, बरसात का पानी ले आती है, मिलती है सागर से, मिलती है सागर से, गंगा जो उत्तर में, गंगा जो उत्तर में हजार मील के सफर के बाद गिरती है बड़े सागर में हमारे देश में हिमालय पर्वत पूर्व घाट और पश्चिम घाट में है और इसके बीच में एक तीन कोण की ऊंची जमीन एक बड़ा सिर है इस सिर में तीन जिले हैं। घर बा घर र घर घर बा तीन पाँच आठ छ सात आठ।
कैसे हो? जल्दी लौट आओ, मुझे और रहा नहीं जाता। तुम्हारा इनाम जानती हो क्यों? क्यों? तुम्हारे हाथ की इस पहली चिट्ठी के लिए। कितनी सुंदर किताबें, क्या रंग, कितनी तस्वीरें, ये सब मेरे लिए? तुम्हें पसंद आई? बहुत। जाए दिन